हाय, दिस इज मनीषा सिंह। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और परीक्षा की तैयारी तो बहुत अच्छे से चल ही रही होगी। तो आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज मैं लेकर आई हूँ आप सभी के लिए एक और धमाकेदार पुलिस की रिक्रूटमेंट, जो कि डायरेक्ट निकल के आ रहा है यूपी पुलिस की तरफ से स्पोर्ट्स कोटा रिक्रूटमेंट 2023 के रिगार्डिंग। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इसके ऊपर ना कंप्लीट डिटेल में डिस्कशन करने वाले कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज क्या रहने वाले हैं, किस प्रकार से आपका मतलब उसमें सारा कुछ होगा, कौन कौन से स्पोर्ट्स के लिए है, कंप्लीट डिटेल में मैं बताऊंगी। तो अगर आप भी इसको लेकर थोड़े से भी हो सीरियस तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना फ्रेंड्स। चलिए अब ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करते, हम लोग फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि यूपी पुलिस के अंदर कॉन्स्टेबल की रिक्रूटमेंट आई है, वो भी स्पोर्ट्स कोटा के अंतर्गत। तो टोटल पोस्ट की अगर हम बात करें फ्रेंड्स, तो आपका 546 सीट्स के लिए यहाँ पर रिक्रूटमेंट आई है। फॉर्म अप्लाई करने की जो तिथि है आपकी 14th ऑफ दिसंबर से स्टार्ट है एंड लास्ट डेट टू अप्लाई आपका क्या है, 1 जनवरी 2024। आपको इसको ध्यान नहीं देना, ध्यान देना है इसको। आपका फॉर्म स्टार्ट है, आप अप्लाई करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि बाद में फिर आप जब जाते हो ना, सर्वर इशू हो जाता है, कंपटीशन इतना ज़्यादा है, बहुत सारे बच्चे लाइन में होते हैं और ज़्यादातर बच्चों का यही होता है कि लास्ट डेट अगर ये है तो हम उस टाइम तक कर देंगे, इस चक्कर में बहुत सर्वर इशू हो जाता है। चलिए अब मैं बता देती हूँ कि जब आप फॉर्म अप्लाई करने जाओगे तो फी क्या लगेगी। तो फ्रेंड्स, जब आप फॉर्म अप्लाई करने जाते हो ना, तो सभी कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 400 रुपीज फॉर्म की चार्ज रखी गई है। मतलब कि जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी एसटी, मतलब आपको जो फीमेल है, ऑल कैटेगरी फीमेल्स के लिए 400 रुपीज यहाँ पर आपको लगेगा। तो उसके बाद चलिए अब देख लेते हैं कि अब कौन कौन जो एज लिमिट वाले हैं वो अप्लाई करेंगे। तो योर एज लिमिट पहले देखते कब से कैलकुलेट होगा। एज ऑन 1st July 2023 मिनिमम 18 ईयर्स जिनका है एंड मैक्सिमम 22 ईयर्स, मतलब 18 साल से 22 साल के जो बीच के बच्चे हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। रिलैक्सेशन मिलेगा, ओबीसी को मिलेगा 3 ईयर्स का एंड एससी एसटी को 5 ईयर्स का। तो ये तो हो गया आपका कि अप्लाई कब होगा, फॉर्म का फी क्या है, एज लिमिट क्या है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इसमें ये है कि किनको यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट जो आपका एलिजिबिलिटी है बहुत ही सिंपल है, 10+2 पास आउट कैंडिडेट्स के लिए। मतलब कि इंडिया के किसी भी वेल ऑर्गेनाइज यूनिवर्सिटी से, अगर आपने रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से 10+2 पास आउट कर रखा है, डजंट मैटर आपका क्या परसेंटेज है, आर्ट्स साइंस कॉमर्स किसी भी आप स्ट्रीम के बच्चे हो, आप अप्लाई कर सकते हो। हाँ, सेकेंड थिंग जो मेन एलिजिबिलिटी है, एज यू नो कि स्पोर्ट्स कोटा की रिक्रूटमेंट आई है, तो किनको किनको यहाँ पर अप्लाई करना है मैं बता देती हूँ। वैसे कैंडिडेट्स जिन्होंने पार्टिसिपेट किया नेशनल गेम्स में, राष्ट्रीय खेल में आपने भाग लिया है, नेशनल चैंपियनशिप जूनियर या सीनियर दोनों में से किसी में भी आपने किया होगा, फेडरेशन कप नेशनल लेवल पे जो होती है जूनियर या सीनियर लेवल का, ऑल इंडिया इंटर स्टेट चैंपियनशिप, मतलब भारत का जो भी होता है ना अंतर राज्य, एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच में कॉम्पिटिशन हुआ उसमें आपने भाग लिया, ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट, मतलब अलग अलग यूनिवर्सिटी के बीच में अगर टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज हुआ है, आप उसमें पार्टिसिपेटेड थे, तो भी आप एलिजिबल रहने वाले हो। वर्ल्ड स्कूल गेम्स अंडर 19, नेशनल स्कूल स्पोर्ट्स अंडर 19 एंड ऑल इंडिया पुलिस स्पोर्ट्स कंपटीशन, इन सभी में से किसी में भी अगर आपने भाग लिया है और आपके पास 10+2 का भी सर्टिफिकेट है पास आउट हो, तो आप एलिजिबल रहने वाले हो। तो चलिए आगे हम देख लेते हैं कि इन जो भी एलिजिबिलिटी वाले बच्चे इसमें से है वो अप्लाई करेंगे तो सिलेक्शन की प्रोसेस क्या होगी। तो सिलेक्शन की प्रोसेस बेहद सिंपल यहाँ पर है, आप देख सकते हो 2 स्टेज पे आपका सिलेक्शन होगा। पहला स्पोर्ट्स स्किल टेस्ट, तो आपका जो स्पोर्ट्स का जो प्रतिभा का आपका वहाँ पे परीक्षण किया जाएगा कि आप इसमें कितने निपुण हो अपने स्पोर्ट्स को खेलने में। देन आपका डीवी यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि स्पोर्ट स्किल टेस्ट कितने मार्क्स का होता है।
स्टूडेंट्स है आपका 80 मार्क्स का होगा। अब आप सोचोगे कि कौन से बच्चे उपयुक्त होंगे और कौन से अनुपयुक्त होंगे, मतलब किनको यहाँ पर चुना जाएगा और किनको बाहर कर दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, जो 50 मार्क्स एंड मोर जिनका आएगा इस टेस्ट में उनको यहाँ पर रखा जाएगा, और जो भी रहेंगे लेस देन 50 मार्क्स तो उनको यहाँ पर सेलेक्ट नहीं किया जाएगा। तो रही बात की डीवी का क्या रोल रहेगा, तो जैसा आपने देख लिया है कि 80 मार्क्स का आपका स्पोर्ट्स स्किल टेस्ट होगा, तो फिर 20 मार्क्स का डीवी होगा। तो फिर जो टीम होगी ना जो आपको सिलेक्ट करेगी, वो आउट ऑफ 100 मार्क्स आपको जो इस 20 में से क्या मिला, फिर 80 में से क्या मिला, टोटल सब कुछ ये करके मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, फिर आपको आपकी ज्वाइनिंग लेटर दे दी जाएगी। तो फ्रेंड्स चलिए उस मतलब ज्वाइनिंग लेटर तक बढ़ने से पहले ये देख लेते हैं किन किन गेम्स के प्लेयर यहाँ पर पार्टिसिपेशन आप यहाँ पे रख सकते हो। फर्स्ट स्पोर्ट आपका है वाटर स्पोर्ट्स, सेकेंड वॉलीबॉल, थर्ड आपका बास्केटबॉल है, देन है हैंडबॉल, कबड्डी, फुटबॉल, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, क्रॉस कंट्री, हॉकी, आर्चरी मतलब जो धनुष बाण चलाते हैं, जिम्नास्टिक, लिफ्टिंग वेट्स, बुशू, जूडो, बॉक्सिंग, एथलेटिक्स, स्विमिंग, शूटिंग, ताइक्वांडो, साइकिलिंग करने वाले जो कैंडिडेट होंगे, रेसलिंग करने वाले, कराटे, फेंसिंग और खो खो। मतलब कुल मिला के देखा जाए तो अपॉर्चुनिटी बहुत सारे हैं, इतने सारे स्पोर्ट्स के प्लेयर के लिए रिक्रूटमेंट आई है, और सबका ना अलग अलग मेल और फीमेल दोनों का ही ना सीट डिस्ट्रीब्यूट किया गया कि इतना सीट है इतना नहीं है, मतलब कि जिसमें नहीं है ना उसका भी मेंशन किया गया है। तो आप ना इसको अच्छे से देख सकते हो, इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दूंगी, तो एक बार आप उस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना और थॉरो आउट अच्छे से एक बार रीड कर लेना और देख लेना कि आपके स्पोर्ट्स के लिए कितनी सीट वगैरह है सारा कुछ। और जैसा कि आपको पता है यूपी का है तो आपको वहां पे जाके जॉब करना होगा कॉन्स्टेबल की पोस्ट के लिए, और अगर आपको मैंने जो भी डिटेल बताया उसमें कुछ क्वालिफिकेशन को लेके या फिर कुछ भी आपको क्वेरीज वगैरह है तो आप कमेंट सेक्शन में आके पूछना। और ये जो आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन है मेरे टेलीग्राम चैनल से कैसे डाउनलोड करोगे, मेरे टेलीग्राम का लिंक आपको दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहीं पर आपको मेरे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम का भी मिल जाएगा, तो आप वहां पे जाके मुझे फॉलो कर लेना। और अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो भर भर के लाइक कर देना, फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को आप ऑल पे सेट कर देना ताकि मेरी सारी न्यू वीडियो सबसे पहले आप सभी तक पहुंच पाए। तो मिलूंगी आपसे फिर से किसी गवर्नमेंट जॉब के अपडेट के साथ, टिल देन स्टे ट्यून्ड, बाय बाय, टेक केयर।